नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से हम भारतीय काव्य शास्त्र पर बात कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि काव्य हेतु किसे कहते हैं और काव्य हेतु के विषय में विभिन्न संस्कृत के, हिंदी के और पश्चिमी विद्वानों के क्या क्या मत हैं, और उनके निष्कर्ष के तौर पर हमारे सामने तीन बिंदु आए थे कि काव्य हेतु तीन हैं, सर्वसम्मति से तीन माने गए हैं, और वे हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब क्योंकि हम काव्य प्रयोजन पढ़ने वाले हैं, तो आप इस बात को अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में बिठा लें कि काव्य हेतु से तात्पर्य है वो तत्व जो काव्य को की सृजन की रचना की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, और काव्य प्रयोजन का अर्थ है वो लक्ष्य, वो उद्देश्य जिसको ध्यान में रखकर कवि रचना करता है। ये हुई सरल शब्दों में बात। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज का सत्र शुरू करते हैं। इसके अलावा जो अभी मैंने आपसे कहा काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में क्या अंतर है, उसके अलावा भी दो बिंदु ऐसे हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। उनमें से पहला बिंदु ये है कि जब भी भारतीय काव्य शास्त्र में प्रयोजन की बात होती है, चाहे प्रयोजन हो या हेतु हो, कुछ किसी भी कोई भी बात होती है काव्य प्रयोजन या काव्य हेतु की, तो वो चर्चा, वो बात दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर की जाती है। कौन से दोनों पक्ष? काव्य के दो पक्ष क्या है महत्वपूर्ण? एक तो कवि जो उसका सृजन करता है, और दूसरा है पाठक, दर्शक या श्रोता, यानी सहृदय व्यक्ति। तो जब भी काव्य प्रयोजन की बात आती है, तब कवि और पाठक दोनों में को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने काव्य प्रयोजन का निर्धारण किया है। जब हम आगे पढ़ेंगे काव्य प्रयोजनों के विषय में, तो आप देखेंगे कि केवल कवि की दृष्टि से ही काव्य प्रयोजन निर्धारित नहीं किए गए हैं, बल्कि पाठक को भी ध्यान में रखा गया है। अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु है कि काव्य के प्रयोजन के लिए कवि और पाठक दोनों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन मूलतः काव्य के तीन पक्ष हैं। कौन कौन से? एक तो कवि, एक काव्य जो रचा जाता है, और दूसरा प्रमाता यानी सहृदय पाठक। और इन तीन बिंदुओं को के इनका आपस में क्या संबंध है, यानी कवि का काव्य से, कवि का प्रमाता से यानी सहृदय पाठक से आपस में क्या संबंध है, सहृदय पाठक का रचना से काव्य से क्या संबंध है, जब तक हम इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक हम प्रयोजन को नहीं समझ पाएंगे। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम इनके आपसी संबंधों पर भी दृष्टिपात करते जाएंगे। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है, जब भी हम कोई विषय, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये है क्या। तो इसी तरह से काव्य प्रयोजन के विषय में पहला प्रश्न है कि क्या है काव्य प्रयोजन। तो काव्य प्रयोजन क्या है? काव्य का प्रेरक कारण, यानी जिसकी प्रेरणा से, जिस कारण से प्रेरित होकर कवि काव्य सृजन के लिए प्रवृत्त होता है, प्रेरित होता है, तत्पर होता है, वो, या काव्य लेखन का, और भी सरल शब्दों में कहें तो काव्य लेखन का उद्देश्य, ये काव्य का प्रयोजन है, प्रयोजन का अर्थ है, और यही इसका सबसे सरलतम अर्थ है। अब एक संस्कृत के आचार्यों ने एक बात कही थी काव्य प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए, उस कथन को आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब संसार में एक मंद व्यक्ति भी निरुद्देश्य किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, तो विशिष्ट प्रतिभा संपन्न एवं तत्वज्ञ कवि के निरुद्देश्य काव्य रचना में प्रवृत्त होने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस कथन के माध्यम से क्या कह रहे हैं आचार्य? आचार्य कह रहे हैं कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें चाहे कम से कम बुद्धि वाला व्यक्ति हो, मंद से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति हो, वो भी अगर जीवन में कोई कार्य करता है, तो किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके करता है। यानी कोई भी व्यक्ति इस संसार में उद्देश्यहीन होकर के कार्य नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में हम ये सोचें कि कवि उद्देश्य रहित होकर, उद्देश्यहीन होकर या निरुद्देश्य होकर काव्य सृजन करेंगे, तो ये बहुत ही बेमानी बात होगी। हमारा ऐसा सोचना हमारी मूर्खता का परिचायक होगा। क्यों? क्योंकि जब मंद बुद्धि वाला व्यक्ति अपना उद्देश्य निर्धारित कर सकता है किसी छोटे से छोटे कार्य के लिए, तो भला वो व्यक्ति जिसके पास अद्भुत प्रतिभा है,
जो तत्व ज्ञानी है यानी शास्त्रों के ज्ञान से भरपूर है, वो व्यक्ति भला बिना उद्देश्य के किसी कार्य को कैसे कर सकता है, यानी काव्य का सृजन कैसे कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ इस कथन के द्वारा, निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रत्येक काव्य किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही लिखा जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये उद्देश्य क्या है और विद्वानों के द्वारा इन्हें किस रूप में स्वीकार किया गया है। प्रश्न ये है कि काव्य रचना कर कवि को क्या प्राप्त होता है। अब उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य वो होगा जब काव्य सृजन करने के बाद कवि क्या प्राप्त करने वाला है, क्या प्राप्त करने का उद्देश्य है उसका। हम आप जब कोई परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो आपका क्या उद्देश्य होता है, उसमें उत्तीर्ण होना। क्यों? क्योंकि उसमें उत्तीर्ण होने के बाद आपको आपके मनोनुकूल नौकरी मिलने वाली है, तो यानी आपके इस कार्य का प्रयोजन ये हुआ। इसी तरह से आचार्यों का कहना है कि जब कोई भी कवि रचना करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य में ये बिंदु निहित होता है कि उस रचना को करने से आखिर उसे प्राप्त क्या होने वाला है। आगे चलते हैं। जो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होने वाला है काव्य रचना के बाद, वही काव्य का प्रयोजन है और वही काव्य के सृजन का प्रेरक बिंदु है। स्पष्ट है कि काव्य प्रयोजन से अभिप्राय काव्य रचना के पश्चात उससे प्राप्त होने वाले फल से है, जो दो व्यक्तियों को प्राप्त होता है। कौन से दो व्यक्ति? कवि और सहृदय। हमने शुरुआत में ही कहा था कि दो पक्षों को ध्यान में रखकर काव्य प्रयोजन की बात की जाती है, एक तो कवि को और दूसरा सहृदय पाठक को। तो कवि और सहृदय पाठक को क्या प्राप्त होने वाला है, वो किसमें निहित है? काव्य प्रयोजन में। यानी काव्य प्रयोजन का अर्थ हुआ उस फल, वो फल जो काव्य रचना के बाद कवि को प्राप्त होने वाला है और जो काव्य रचना के बाद, काव्य अध्ययन के बाद पाठक को प्राप्त होने वाला है। यानी इन दोनों को दृष्टि में रखकर काव्य प्रयोजन की चर्चा की गई है। आगे चलें। अब बात आती है संस्कृत के आचार्यों ने काव्य प्रयोजन के विषय में क्या क्या मत प्रस्तुत किए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों के, काव्य शास्त्र की एक व्यवस्थित परंपरा का आधार की आधारशिला रखने वाले हैं आचार्य भरत मुनि। तो सबसे पहले हम आचार्य भरत के मत के विषय में जानते हैं। आचार्य भरत ने लिखा काव्य प्रयोजन के विषय में कि धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धिवर्धन और लोकोपदेश ये काव्य के प्रयोजन है। ये इस श्लोक में, नाट्य शास्त्र में ये श्लोक लिखा है और इस श्लोक में यही बिंदु स्पष्ट किया गया है। देखिए, धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यम एतद् भविष्यति। भरत मुनि क्या कहते हैं कि धर्म जिससे प्राप्त हो, जिसका प्रयोजन धर्म है, जिसका प्रयोजन है यश यानी कीर्ति की प्राप्ति, प्रसिद्धि मिले जिससे, आयुष्यम जिससे दीर्घ आयु मिले, जिससे लोक का हित हो, कल्याण हो, जिससे बुद्धि में वृद्धि हो यानी ज्ञान की वृद्धि हो, जिससे जो उपदेश उत्पन्न करने वाला हो यानी उपदेश देने वाला हो, वही इन सभी गुणों से युक्त ही नाट्य भविष्यति होगा। यानी नाटक, नाटक से यहां पर जहां कहीं भी भरत मुनि नाट्य की बात करते हैं, नाटक की बात करते हैं, उनका तात्पर्य केवल उस दृश्य विधा से नहीं होता बल्कि संपूर्ण काव्य से होता है, क्योंकि प्रारंभ में काव्य को नाटक कहकर के ही संबोधित किया जाता था। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, यानी ये सारे उनकी दृष्टि में काव्य के प्रयोजन है। धर्म, धर्म का अर्थ है धर्म पालन का संदेश जहां से मिले। यश यानी ऐसी काव्य रचना जिसके, जिससे को करने से कवि को यश यानी कीर्ति की प्राप्ति हो, जो उसकी आयु बढ़े। अब प्रश्न ये उठता है कि आयु कैसे बढ़ेगी, क्योंकि काव्य साहित्य या काव्य आनंद प्रदान करने वाला होता है और आनंद एक ऐसा अलौकिक अनुभव है, एक ऐसी अलौकिक अनुभूति है जो आयु में वृद्धि करती है, रोगों का नाश करती है, विपत्तियों का संहार करती है। विपत्तियों का संहार क्यों करती है? क्योंकि हम आनंदित होते हैं तो हम ऊर्जावान होते हैं और तब हम में ये हिम्मत, ये साहस होता है कि हम किसी भी तरीके से, कोई भी बड़े से बड़ा संकट हो उसका मुकाबला कर उसे दूर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ आयु की बात की गई है और ये
क्योंकि आनंद न केवल कवि को प्राप्त हो रहा है रचना के फलस्वरूप बल्कि पाठक को भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए आयु का वर्धन पाठक के लिए भी है, धर्म पालन पाठक भी कर रहा है, लेकिन यश कवि को प्राप्त हो रहा है। हितकारी कौन है? काव्य है, तो कवि को हित करने का, लोक का हित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है काव्य के माध्यम से, क्योंकि वो जन जन को मार्गदर्शन कि क्या सही है और क्या गलत उसका बोध करा रहा है, उनके ज्ञान में वृद्धि कर रहा है, क्योंकि काव्य ज्ञान का भंडार होता है, और लोकोपदेश और लोक को उपदेश दे रहा है, उन्हें सही रास्ता बता रहा है, जीवन का सही मार्ग क्या है वो बता रहा है। तो इस प्रकार आचार्य भरत ने इन 6 तत्वों को काव्य का प्रयोजन माना, धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धिवर्धन और लोकोपदेश। आगे चलें। अब दूसरे आचार्य आते हैं भामह। भामह ने कहा कि पुरुषार्थ चतुर समस्त कलाओं में निपुणता, प्रीति अर्थात आनंद और अखंड यश की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन है। अब एक बात यहाँ पर दोस्तों मैं आपको प्रसंगवश बताना चाहूंगी कि जब भी हम किसी बिंदु को, साहित्य के किसी भी पक्ष को, धर्म के किसी भी पक्ष को पढ़ते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति के जो जीवन मूल्य हैं उनका प्रतिबिंब उसमें कहीं ना कहीं होता है। हमारी संस्कृति में क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य माना गया है मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पड़ावों को पार कर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई है, इसका मतलब है 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति प्रयोजन है किसका? भामह के अनुसार काव्य के सृजन का। तो 4 पुरुषार्थ यानी धर्म पहला है, अर्थ दूसरा है, काम तीसरा है और चौथा है मोक्ष। तो यानी 4 पुरुषार्थों की बात की, लेकिन आचार्य भरत ने केवल धर्म की बात की थी। तो ये थोड़ी सी मत भिन्नता हो गई, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि भामह प्रयोजन में 4 पुरुषार्थों को शामिल करते हैं लेकिन भरत केवल 1 को करते हैं। समस्त कलाओं में निपुणता, दूसरा प्रयोजन जो जिसकी चर्चा भामह ने नहीं की वह है समस्त कलाओं में निपुणता प्राप्त करना, ये काव्य का उद्देश्य होता है। प्रीति, जहां भी काव्य शास्त्र में प्रीति शब्द आए वहां आप उसे प्रेम के अर्थ में ना ग्रहण करें बल्कि आनंद के अर्थ में ग्रहण करें। इसीलिए यहां मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ प्रीति का अर्थ है आनंद, यानी आनंद की प्राप्ति जो कि काव्य का अंतिम लक्ष्य माना ही गया है। आनंद और अखंड यश, यश की बात भरत मुनि ने भी की है, आनंद की बात भी वो अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो इस प्रकार 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति, कला में निपुणता यानी साहित्य कला कवि कर्म में निपुणता, और आनंद और अखंड यश की प्राप्ति। अखंड यश को अखंड क्यों कहा गया है? यश को अखंड इसलिए कहा गया है क्योंकि यश जिसको एक बार प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति चाहे रहे या ना रहे उसकी कीर्ति, उसका यश निरंतर बना रहता है, इसलिए अखंड यश की बात यहाँ पर की गई है। अब इन्होंने इस श्लोक में ये बात कही है, इसे देख लेते हैं एक बार। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च पोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्यम निबंधनम। अब भामह क्या लिखते हैं श्लोक के माध्यम से? साधु काव्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ काव्य। निबंधन का अर्थ है रचना करना, यानी श्रेष्ठ काव्य की रचना से क्या प्राप्त होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी पुरुषार्थ चतुष्टय। वैचक्षण्यम कलासुच, कलाओं में वैचक्षण्य यानी विचक्षणता यानी निपुणता यानी कौशल, कौशल प्राप्त होता है, यानी दूसरा प्रयोजन ये हो गया। पुरुषार्थ चतुष्टय पहला प्रयोजन, कलाओं में निपुणता और कलाओं में निपुणता दूसरा प्रयोजन, तीसरा करोति कीर्तिम यश की प्राप्ति तीसरा प्रयोजन, और प्रीतिम च, प्रीति का अर्थ मैंने अभी बताया आनंद के रूप में ग्रहण करना है, प्रेम के रूप में नहीं, यानी आनंद प्राप्ति चौथा प्रयोजन है काव्य का। तो भामह के अनुसार ये 4 प्रयोजन काव्य के माने गए, पहला पुरुषार्थों की प्राप्ति, दूसरा कलाओं में निपुणता की प्राप्ति, तीसरा यश की प्राप्ति और चौथा आनंद की प्राप्ति। आगे चले। अब बात आती है तीसरे महत्वपूर्ण आचार्य वामन की। वामन ने काव्य प्रयोजन को सबसे अलग 2 भागों में विभक्त कर दिया दोस्तों। पहला है दृष्ट प्रयोजन और दूसरा है अदृष्ट प्रयोजन। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, दृष्ट यानी जो दिखाई दे वो प्रयोजन, और जो अदृष्ट जो दिखाई ना दे वो प्रयोजन। तो दृष्ट प्रयोजन में उन्होंने शामिल किया आनंद को, यानी जिसकी बात भामह प्रीति शब्द से करते हैं उसी को उन्होंने दृष्ट प्रयोजन में शामिल किया, यानी बात किसी भी तरीके से कही जाए लेकिन जो मूल तत्व है
वो वही है, यानी प्रीति को यहाँ भी काव्य का प्रयोजन माना गया। और अदृष्ट जो दिखाई नहीं देता, यानी कीर्ति, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती तो वो कीर्ति जो है वो अदृष्ट प्रयोजन में स्वीकार की गई है। इस बिंदु को आप ध्यान में रख लेंगे कि किस विद्वान ने काव्य प्रयोजन को दो वर्गों में विभक्त किया है, दृष्ट और अदृष्ट, तो आपका उत्तर होना चाहिए आचार्य वामन। दृष्ट आचार्य वामन के अनुसार दृष्ट आनंद, दृष्ट प्रयोजन क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए आनंद। आचार्य वामन के अनुसार अदृष्ट प्रयोजन क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए यश। ये बिंदु आप ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है कि प्रकारांतर से उन्होंने कीर्ति और प्रीति दोनों को काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य भरत मुनि और भामह दोनों भी कीर्ति को स्वीकार करते हैं, प्रीति को स्वीकार करते हैं। अब उनकी पंक्ति है काव्यम कई बार। ये पंक्तियां मैं संस्कृत में इसलिए लिख रही हूँ दोस्तों, कि कई बार इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कि एक संस्कृत की पंक्ति दे दी जाती है कि ये कथन किसका है काव्य प्रयोजन के विषय में, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। वे लिखते हैं वामन, काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, कि काव्य सद यानी श्रेष्ठ काव्य किसके लिए होता है, दृष्ट के लिए, दृष्ट उद्देश्य के लिए, और अदृष्ट उद्देश्य के लिए। अर्थ का, जहां पर अर्थ शब्द आता है किसी शब्द के साथ जुड़कर संस्कृत में उसका अर्थ होता है के लिए, तो दृष्ट के लिए और अदृष्ट के लिए। और वो दृष्ट और अदृष्ट क्या है, प्रीति यानी आनंद दृष्ट हो गया और अदृष्ट हो गया कीर्ति। ये काव्य के प्रयोजन है, काव्य के उद्देश्य है। आगे चले, अर्थात सुंदर काव्य कवि तथा पाठक दोनों की प्रीति यानी आनंद का, और कवि के इस जीवन में तथा उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी स्थायी कीर्ति का हेतु होने से दृष्ट अर्थात ऐहिक तथा अदृष्ट अर्थात आमुष्मिक दोनों प्रकार के फल देने वाला होता है। यानी इसके द्वारा एक और जो अर्थ निकल कर सामने आता है वो ये है कि जब वो कहते हैं कि दृष्ट प्रयोजन, तो दृष्ट प्रयोजन का उनका एक उद्देश्य, एक अर्थ क्या होता है, इहलोक, इस संसार से संबंधित उद्देश्य, और आमुष्मिक क्या है, परलोक संबंधी। और जो अदृष्ट है, अदृष्ट प्रयोजन है, उसका संबंध आमुष्मिक यानी परलोक से होता है, क्योंकि कीर्ति मनुष्य रहे या ना रहे, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी मृत्यु के बाद भी विद्यमान रहती है। आगे चले, रुद्रट लिखते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय के अतिरिक्त, यानी यहां भी चार पुरुषार्थों को काव्य के प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय के अतिरिक्त अनर्थ का उपशमन, देखिए बिल्कुल अलग तरीके से इन्होंने बात की। आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि शब्द भले ही बदल जाए, घुमा फिका फिरा करके बात वही एक है। कौन सी, आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, लोक कल्याण, पुरुषार्थ की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जब रुद्रट कहते हैं कि अनर्थ का उपशम, यानी जो कुछ भी बुरा हमारे जीवन में होने वाला होता है उससे काव्य, जो श्रेष्ठ काव्य का उद्देश्य होता है, उसको शांत करना, समाप्त करना, जो विपत्तियां आने वाली होती हैं उनको दूर करना, जो रोग आने हो उससे मुक्ति दिलाना, और अभिमत वर की प्राप्ति, और जो श्रेष्ठ लक्ष्य हो व्यक्ति का उसे प्राप्ति, उसकी प्राप्ति को ही काव्य का प्रयोजन रुद्रट मानते हैं। अब इन बातों को आप समझ लेंगे। देखिए, जब रुद्रट कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय की बात तो हम स्पष्ट कर ही चुके हैं, लेकिन अनर्थ के उपशम की बात करते हैं, तो मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि आप ध्यान में रखेंगे कि काव्य का अंततः प्रयोजन जो है वो पाठक की दृष्टि से भी और कवि की दृष्टि से भी आनंद की प्राप्ति है। और हमारी संस्कृति में जीवन का उद्देश्य भी मोक्ष अर्थात परम आनंद की प्राप्ति है, तो आनंद की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। तो जब व्यक्ति आनंद में डूबता है, जब हम किसी साहित्यिक रचना की कथा वस्तु में अपने आप को इतना ज्यादा खो देते हैं कि हमें न अपना ध्यान रहता है न अपने आसपास के परिवेश का, और हम उस कृति के में जो वर्णित विषय है उसके आनंद में डूब जाते हैं उस एक क्षण के लिए, हम हमारे दिमाग में न तो कोई अनर्थ होता है न कोई विपत्ति आने वाली है ये होता है, और यदि हम उस वक्त अस्वस्थ भी हैं तो भी हम एक बार को अपनी अस्वस्थता भूल जाते हैं। एक बात तो ये हुई, दूसरी बात ये हुई कि हम जब आनंदित होते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत विद्यमान होता है, वो जागृत होता है, और उस ऊर्जा के कारण हम इतने अधिक उत्साहित हो जाते हैं कि हमें ये सब छोटी छोटी चीजें जिनसे हम
छोटी सी दुर्घटना से भी हम जैसे घबरा जाते हैं सामान्य जिंदगी में, उस तरह की घबराहट, उस तरह की व्याकुलता हमें नहीं घेरती, बल्कि हम में उत्साह का संचार होता है और हम ये विश्वास से भर उठते हैं कि छोटे मोटी चीजें तो क्या है, इनको तो हम फटाफट सॉल्व कर देंगे, इनका समाधान निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ रुद्रक ने घुमा फिराकर आनंद की प्राप्ति को ही ये बात कही है, लेकिन कहने का तरीका उनका अलग है कि अनर्थ का उपशम यानी अनर्थ को शांत करना, विपत्तियों को दूर हटाना और रोग से विमुक्ति, और ये अंततः जुड़ते हैं किससे, आनंद से, क्योंकि जब तक ये तीन चीजें हैं तब तक आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और अभिमत यानी श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति, क्योंकि जब व्यक्ति ऊर्जावान होगा, उत्साहित होगा, आनंदित होगा, तो वो जो चाहता है जीवन में कर पाएगा। निराश व्यक्ति जीवन का लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं करता, बल्कि जो आशावान, सकारात्मक और आनंदित ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति होता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये हुआ रुद्रक का मत। अब बात आती है कुंतक, आचार्य कुंतक की। कुंतक कहते हैं कि सरलता पूर्वक चतुर फल वर्ग फल प्राप्ति, चतुर वर्ग क्या है, पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कि कुंतक कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन है कि आसानी से व्यक्ति को चार पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाए, यानी धर्म का पालन भी हो जाए, अर्थ यानी जीविकोपार्जन के लिए जितना भी धन चाहिए उसकी भी प्राप्ति हो जाए, काम यानी सृष्टि के विकास क्रम में योगदान देने के लिए गृहस्थ जीवन का सुख भी मिल जाए और परम आनंद की प्राप्ति भी हो जाए। तो आसानी से हो जाए काव्य के माध्यम से, ये काव्य का प्रयोजन है। उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना काव्य का प्रयोजन है। देखिए यहां कुंतक प्रत्यक्ष रूप से किससे जोड़ देते हैं, जीवन के व्यवहार के ज्ञान से जोड़ देते हैं काव्य को, विलक्षण चमत्कार की अनुभूति। ये जो विलक्षण चमत्कार की अनुभूति है ये अंततः जुड़ती है आनंद से, क्योंकि तभी हमारे अंदर अद्भुत अलौकिक अनुभूति का अर्थ ही है आनंद का संचार होना। तो इनको इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना है। कौन कौन से हुए, पहला हुआ सरलता पूर्वक चतुर वर्ग फल की प्राप्ति यानी चार पुरुषार्थों का प्राप्त होना, दूसरा हुआ व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति, और तीसरा हुआ विलक्षण चमत्कार की अनुभूति, यानी उन्होंने इन तीन बिंदुओं को काव्य का प्रयोजन माना है। आगे चले, अग्नि पुराणकार लिखते हैं कि मोक्ष के अतिरिक्त तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन है, कि काव्य के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन मोक्ष के समान आनंद प्राप्त होता है, लेकिन उसके अलावा धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, तो काव्य का प्रयोजन उनकी दृष्टि में है धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति। अभिनव गुप्त कहते हैं कि काव्य का प्रधान प्रयोजन आनंद साधना है। देखिए यहां भी आनंद की बात आ रही है, पुरुषार्थ चतुष्टय का आनंद अंतिम लक्ष्य भी आनंदोपलब्धि ही है, यानी चार पुरुषार्थों में भी अंतिम जो लक्ष्य है यानी मोक्ष जीवन का, वो है अंतिम लक्ष्य यानी आनंद की प्राप्ति। तो उसी तरह से अभिनव गुप्त इसी बात को आधार मानकर कहते हैं कि काव्य का मूल, कितने भी काव्य के प्रयोजन हो लेकिन प्रमुख प्रयोजन आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है, आनंद की साधना करना है। साधना करने का अर्थ होता है प्रयत्न करना, प्रयास करना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये आनंद किसके लिए है, ये आनंद जब कवि सृजन कर रहा है, वो उस काव्य में डूब रहा है तो वो भी आनंदित हो रहा है, और जब पाठक पढ़ रहा है, श्रोता उस नाटक को देख रहा, श्रोता उसे सुन रहा है, दर्शक उस नाटक को देख रहा है, तो वो भी आनंदित हो रहा है, यानी पाठक के लिए भी है और कवि के लिए भी है। आचार्य मम्मट कहते हैं पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के मतों को एकत्र रूप में ग्रहण किया। आचार्य मम्मट ने जितने भी पूर्वकालीन आचार्यों के मत थे काव्य प्रयोजन के विषय में, उन सबको एकत्रित किया, समन्वय उनमें स्थापित किया, और उन्होंने लिखा कि काव्य प्रयोजन क्या है, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षतये सद्यः पर निवृत्तये कांता सम्मितयो उपदेश युजे। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, वाक्यांश अक्सर इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब इसका अर्थ क्या है कि काव्य किस का प्रयोजन क्या है, यश की प्राप्ति, अर्थ यानी धन की प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, कल्याण करना और तुरंत आनंद प्राप्त करना, और जिस प्रकार पत्नी मधुर वाणी में उपदेश देती है उसी प्रकार जीवन से के लिए उपयोगी उपदेशों को प्रदान करना, ये काव्य का प्रयोजन है। इस प्रकार मम्मट ने काव्य के ये छह प्रयोजन माने हैं। पहला हो गया यश प्राप्ति, दूसरा हो गया धन प्राप्त करना। धन प्राप्त करना क्यों जरूरी है, हमारी संस्कृति दोस्तों
प्रवृत्ति और निवृत्ति का अद्भुत समन्वय है। प्रवृत्ति यानी संसार में लिप्त होना और निवृत्ति यानी संसार से अलग होना, संसार के प्रति तटस्थता का भाव रखना या त्याग का भाव रखना। अब इनके समन्वय का अर्थ क्या है? इनके समन्वय का अर्थ ये है कि हमारी संस्कृति में दोस्तों इस बात पर बल दिया गया है कि हमें सारी जितनी भी सुख सुविधाएं संसार में उपलब्ध हैं उन्हें त्याग भाव से उनका भोग करना है। त्याग भाव से भोग करने का अर्थ क्या है? त्याग भाव से भोग करने का अर्थ है कि जितना मेरे लिए आवश्यक है मैं उतना ही ग्रहण करूं, अनावश्यक संचय ना करूं। उस तरीके से हमें यानी धन का उपार्जन करना है हमें, लेकिन उतना ही करना है जितना हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता है। जितनी हमें चाहिए उतना ही धन का उपार्जन करना है। तो ये धन प्राप्ति, इसीलिए चार पुरुषार्थों में धर्म के बाद दूसरा स्थान अर्थ का है, क्योंकि ये व्यवहारिक सी बात है कि बिना अर्थोपार्जन के, बिना धन के जीवन निर्वाह संभव नहीं है। और उसके बाद काम तीसरा पुरुषार्थ है, यानी सृष्टि के विकास क्रम को निरंतर आगे बढ़ाए रखने के लिए हमें क्या करना है? गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त करना है, इसलिए काम आवश्यक है। तो यहां पर कहते हैं मम्मट के यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति और व्यवहारिक ज्ञान, क्योंकि जब तक शास्त्रीय ज्ञान एक अलग बिंदु है, लेकिन जब व्यवहारिक ज्ञान जीवन में कदम कदम पर काम आता है तो काव्य का प्रयोजन व्यवहारिक ज्ञान देना भी है। तो व्यवहारिक ज्ञान जो जीवन के निर्वाह में कदम कदम पर काम आए, ऐसा व्यवहारिक ज्ञान भी काव्य का प्रयोजन है। शिवेतर, शिवेतर का मतलब हुआ कल्याण का कार्य, यानी हमें कल्याण करना है, काव्य का प्रयोजन है कल्याण करना। कल्याण कैसे करेंगे? जब कोई व्यक्ति अपने रोग को भूलकर काव्य का आनंद प्राप्त करे तो कल्याण हो गया। जब हमने कोई ऐसा उपदेश दिया, कोई ऐसा व्यवहारिक ज्ञान दिया कि हम आसानी से उस व्यक्ति को संकट से दूर निकालने में, बाहर निकालने में मदद कर सके, यानी हमने कल्याण किया। तो इस तरह से अपने व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा, अपने आनंद के द्वारा जो काव्य है उसका प्रयोजन होता है कल्याण करना। तो शिवेतर रक्षतये हो गया। इसके बाद तत्काल अलौकिक आनंद की अनुभूति करना, जैसे ही काव्य पढ़ेगा कोई भी पाठक या काव्य सृजन करेगा कवि, उसे अलौकिक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी, यानी ये आनंद ऐसा होगा जैसे परमात्मा की के साक्षात्कार से उत्पन्न आनंद होता है, इसलिए उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है अलौकिक आनंद। कांता सम्मित उपदेश अर्थात पत्नी सदृश मधुर वाणी में उपदेश देने वाला काव्य होना चाहिए। हिंदी में अब बात आती है, तो हुई संस्कृत के आचार्यों की बात, अब बात आती है हिंदी में। रीतिकाल में भी बहुत सारे काव्य शास्त्र लिखे गए, लेकिन वे काव्य शास्त्र, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वे सभी काव्य शास्त्र संस्कृत आचार्यों के मतों का अनुकरण थे, उनकी पुनरावृत्ति थे, उनमें मौलिकता का अभाव है। तो यही कारण है कि हिंदी के रीतिकालीन आचार्य, जिनमें कुलपति, देव, सोमनाथ, भिखारीदास और प्रताप शाही के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इन्होंने अपने काव्य शास्त्र परक जो ग्रंथ लिखे उनमें काव्य प्रयोजन का उल्लेख किया, लेकिन वो काव्य प्रयोजन का उल्लेख संस्कृत आचार्यों के मतों की ही पुनरावृत्ति है, यानी उन्हीं को उन्होंने अपने ग्रंथों में स्पष्ट किया, प्रतिपादित किया है। अब बात आती है आधुनिक काल में आचार्यों ने किस प्रकार काव्य के प्रयोजन को माना, क्योंकि आधुनिक काल दोस्तों हमारे हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की अपनी एक अलग वैज्ञानिक दृष्टि लेकर चलने वाला काल है, और यही वो काल है जिसमें साहित्य जीवन के बिल्कुल निकट क्रमशः आता गया है। तो इस बात को ध्यान में रखिए और फिर इनको समझिए। आधुनिक काल में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि द्विवेदी युग किसका है? नैतिक मूल्यों की स्थापना का, भारतीय संस्कृति के गौरवगान का युग है, तो इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना। आप कंठस्थ कर लेंगे। आचार्य शुक्ल कहते हैं काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था पर पहुंचना ही काव्य का प्रयोजन है। लोक मंगल यानी जो संस्कृत आचार्यों ने लोक कल्याण की बात की, उसी को यहां पर आचार्य शुक्ल ने स्वीकार किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं आत्मा भी व्यंजना की इच्छा, मानव व्यापारों में अनुरक्ति, नित्य तथा काल्पनिक संसार में रति तथा सौंदर्य प्रियता ही काव्य का प्रयोजन है। अब इन बिंदुओं को समझ लेते हैं। आत्मा भी व्यंजना क्या है? आत्म प्लस अभिव्यंजना, यानी आत्म मतलब अपने विचारों की अभिव्यंजना यानी अभिव्यक्ति। तो श्याम सुंदर दास का कहना है
कि कवि की अपने स्वयं के विचारों को, जो उसने अनुभूतियां प्राप्त की हैं, उन अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने की जो लालसा है, वही काव्य का प्रयोजन है। उसके अलावा और काव्य का प्रयोजन क्या है कि जो भी मनुष्य के जीवन के जो क्रियाकलाप हैं, उनके प्रति आकर्षण और उनको अपने काव्य में सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करने की जो लालसा है, वो काव्य का दूसरा प्रयोजन है। काल्पनिक संसार में, नित्य और काल्पनिक संसार में, यानी कल्पना लोक में प्रेम और सौंदर्य का, कल्पना लोक का निर्माण कर प्रेम और सौंदर्य का चित्रण करना काव्य का प्रयोजन है। तो श्याम सुंदर दास ने आत्माभिव्यंजना, मानव व्यापारों में अनुरक्ति, नित्य और काल्पनिक संसार में रति तथा सौंदर्य प्रियता को काव्य का प्रयोजन माना। अब बात आती है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की और डॉक्टर नगेंद्र की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र ने आत्मानुभूति और आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। आत्मानुभूति यानी संसार में, जीवन में विभिन्न क्रियाकलाप करते समय व्यक्ति को जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को अभिव्यक्त करना, ये दो बिंदु हैं। आत्मानुभूति काव्य का प्रयोजन है और उसको अभिव्यक्त करना, आत्माभिव्यक्ति काव्य का प्रयोजन है। यानी यहाँ केवल अभिव्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया, जो कि बात यहाँ श्याम सुंदर दास ने आत्माभिव्यंजना की थी, उसके साथ नंदुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र ने आत्मानुभूति को भी जोड़ दिया है। तो आत्मानुभूति और आत्माभिव्यक्ति काव्य का प्रयोजन माने गए हैं। 20वीं शताब्दी में अब बात आती है पाश्चात्य विचारकों की, वे क्या कहते हैं काव्य प्रयोजन के विषय में। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक उस समय हुए, जिनमें फ्रायड, एडलर और यूंग, इन तीनों के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने काव्य प्रयोजन को मनुष्य की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति से जोड़ा। पाश्चात्य विचारकों के विचारों को, काव्य प्रयोजन के विषय में विचारों को समझने से पहले दोस्तों आप एक बात ध्यान में रखें कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो आध्यात्मिक जीवन पर आधारित है। यानी उसका लौकिक जीवन भी परलोक से जुड़ा होता है, लेकिन ये जो पाश्चात्य संस्कृति है वो भौतिकवादी संस्कृति है। इसलिए आपको इन दोनों, भारतीय विचारकों में और पाश्चात्य विचारकों में, अंतर अपने आप स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। यहां पर उस अद्भुत, अलौकिक, चमत्कारिक आनंद की कोई बात ही नहीं है। यहां कहा गया कि मनुष्य की व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती हैं, उनको अभिव्यक्त करने की अपने विचारों को, उसी के कारण वही काव्य का प्रयोजन है। और ये बात फ्रायड, एडलर और यूंग तीनों न, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने स्वीकार की। फ्रायड ने कहा कि काम वासना को साहित्य सृष्टि का मूल प्रयोजन है। काम वासना की अभिव्यक्ति साहित्य सृष्टि का, साहित्य के सृजन का, काव्य के सृजन का मूल प्रयोजन है। यानी फ्रायड काम वासना को श्रेय देते हैं, प्रयोजन मानते हैं। एडलर कहते हैं कि हीन भावना की निवृत्ति, कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कुंठाएं होती हैं और वो उन कुंठाओं को अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से उनसे मुक्ति प्राप्त करता है। और हीन भावनाएं, यानी कवि अपने हृदय की भावनाओं से मुक्त होना, पाठक अपने हृदय की हीन भावनाओं से मुक्त होने के को होना, इस प्रक्रिया को एडलर काव्य का मूल प्रयोजन मानते हैं। यानी हीन भावनाओं से मुक्त होने की प्रक्रिया काव्य का मूल प्रयोजन है एडलर के अनुसार, चाहे वो कवि की दृष्टि से हो, चाहे वो पाठक की दृष्टि से। यूंग ने प्रभुत्व कामना को काव्य प्रयोजन सिद्ध किया है। यूंग ने कहा कि प्रभुत्व, अपना प्रभाव जमाने की जो लालसा है, वही एकमात्र काव्य का प्रयोजन है। अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो दोस्तों ये प्रभुत्व कामना जो है वो कीर्ति से जुड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि व्यक्ति जब काव्य सृजन करता है तो उसका प्रभाव उसके यश के माध्यम से ही फैलता है। वो राजा तो है नहीं कि राज्य के विस्तार के माध्यम से, युद्धों के माध्यम से अपना प्रसार करेगा, अपना प्रभुत्व बढ़ाएगा। वो कवि है, वो रचनाकार है, तो कीर्ति के माध्यम से वो लोगों को, पर अपने प्रभुत्व को बढ़ाता है। तो यहाँ ये जो यूंग का विचार है, ये अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ जाकर जुड़ता है, कीर्ति से जुड़ता है, जिसकी बात संस्कृत के आचार्यों ने भी की है। पाश्चात्य साहित्य जगत में काव्य प्रयोजन विषयक सुविस्तृत चिंतन हुआ बाद में, ये तो हुआ ही मनोवैज्ञानिकों का चिंतन। इसके अलावा भी बहुत सारा विवाद का विषय रहे काव्य प्रयोजन, और उनमें दो निष्कर्ष निकल करके सामने आए, एक तो कला कला के लिए और दूसरा कला जीवन के लिए। अब कला कला के लिए का अर्थ क्या है, यानी वे एक वर्ग विद्वानों का ऐसा है जो ये मानता है कि कला का प्रयोजन स्वयं कला ही है, क्योंकि हमें
कला का को विकसित करना है, इसलिए हम कला कर रहे हैं यानी काव्य सृजन कर रहे हैं ताकि काव्य का विकास हो। यानी कला का उद्देश्य और किसी वस्तु से नहीं जुड़ता जीवन की संसार की, बल्कि कला केवल कला के लिए ही सृजित की जाती है, काव्य केवल काव्य के लिए ही रचा जाता है। एक मत ये है। दूसरा मत यह है कि कला जीवन के लिए, यानी कला जीवन का अभिन्न अंग है और जीवन की अभिव्यक्ति ही होती है कला में, इसके इसलिए कला कला के लिए नहीं है बल्कि कला जीवन के लिए है। तो ये दो मत बहुत अधिक प्रचलित रहे। ये जो कला कला के लिए है, ये एक विशुद्ध सौंदर्यवादी दृष्टिकोण है, क्योंकि इसमें केवल सौंदर्य की बात की गई है, जीवन से उसको जोड़ा ही नहीं गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कला स्वयं अपना साध्य है, यानी कला का प्रयोजन कला ही है और कलात्मक अनुभूति उसका प्रयोजन है। और उसके कला के निर्माण में, यानी यदि हम काव्य की बात करें तो काव्य की रचना में जिस कलात्मकता से कवि जो आनंद प्राप्त करता है, वही उसका प्रयोजन है। तो अप्रत्यक्ष रूप से आनंद की बात यहां भी आ गई। सामाजिक प्रतिबद्धता, नैतिकता, उपदेशात्मकता आदि उसके विशुद्ध स्वरूप को विकृत करने वाले तत्व हैं। इन्होंने क्या माना कि जब हम काव्य को समाज से जोड़ते हैं, जब हम काव्यों को जीवन काव्य को नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं, उपदेश का माध्यम बनाते हैं, तो उसका जो विशुद्ध कलात्मक रूप है वो विकृत हो जाता है। कला कला के लिए जो विद्वानों का वर्ग मानता था, उस वर्ग का ये मानना था, इसलिए कला का प्रयोजन कला है, ऐसा इस वर्ग के विद्वानों ने माना। और कौन है वे विद्वान जिन्होंने ये कला कला के लिए मत को प्रस्तुत किया? इस मत के समर्थक है प्लेटो, बोदलेयर, वॉल्टर पेटर, ऑस्कर वाइल्ड, बैडले, स्पिनगान, टीएस इलियट आदि। इनमें इन सभी के नाम आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। प्लेटो जो अरस्तु के गुरु थे, उन्होंने सबसे पहले इस मत को प्रतिपादित किया, और उसके बाद बोदलेयर, वॉल्टर पेटर, ऑस्कर वाइल्ड, बैडले, स्पिनगान और टीएस इलियट आदि ने उनके मत का समर्थन किया कि कला का प्रयोजन केवल कला है। वॉल्टर पेटर का कथन है कि काव्य सदाचार अथवा दुराचार की प्रतिपादिका कोई पुस्तक नहीं है। यानी उनका कहना है कि जब हम कहते हैं कि काव्य के द्वारा श्रेष्ठ उपदेश प्राप्त हुए, श्रेष्ठ जीवन शैली के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तो वॉल्टर पेटर इस बात का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन आचरण, अच्छा आचरण और बुरा आचरण का प्रतिपादन करना नहीं है। ये काव्य कलात्मक वस्तु है, ये कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें सदाचार और दुराचार की बात को स्पष्ट किया जाए, उसका प्रतिपादन किया जाए। अब दूसरा बिंदु आता है कला जीवन के लिए, और इसकी प्रस्तुति, इस विचार के समर्थक, पहले समर्थक हैं प्लेटो के शिष्य अरस्तु। इन्होंने कहा कि कला का उद्देश्य नीति सापेक्ष आनंद है। यानी जब हम कला के माध्यम से नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, सदाचार की बात करते हैं, शील की बात करते हैं, तो उनका विकास जब समाज में होता हुआ हम देखते हैं, अपने पाठकों के बीच में होता हुआ देखते हैं, तो उससे हमें जो आनंद प्राप्त होता है वही काव्य का प्रयोजन है। यानी कला जीवन के लिए, जीवन ही काव्य का, कला का प्रयोजन है। ये उन्होंने, अरस्तु ने स्पष्ट रूप से जिक्र किया। अब अरस्तु के इस मत को कि कला जीवन के लिए है, उसका समर्थन किया ड्राइडन, हेनरी हडसन, रस्किन आदि विद्वानों ने। कला जीवन से निरपेक्ष हो भी नहीं सकती। अब अगर हम इन दोनों कथनों पर विचार करें तो साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति तो प्रारंभ से ही है। जब वैदिक युग था, ऋषि मुनियों का जीवन था, तो वैदिक साहित्य में ऋषि मुनियों का जीवन अभिव्यक्त हुआ। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, काव्य की विषय वस्तु में इसीलिए बदलाव आया क्योंकि परिवेश में, जीवन में बदलाव आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में हम ये माने कि कला केवल कला के लिए है, तो ये बहुत बेमानी सी बात होगी। कला निश्चित रूप से कला के लिए भी है, लेकिन उसे जीवन से निरपेक्ष नहीं माना जा सकता। तो कला जीवन से निरपेक्ष नहीं हो सकती, जीवन से ही कला जन्म लेती है, क्योंकि जीवन किसका होता है? मनुष्य का। मनुष्य ही कलाकृतियां बनाता है, तो जीवन से ही जिसका जन्म हो उसकी सार्थकता भी जीवन के लिए होनी चाहिए। दूसरा बिंदु ये अभिव्यक्त किया गया। तीसरा बिंदु, हम इन सारे संस्कृत के आचार्य, हिंदी के आचार्यों ने तो संस्कृत के आचार्यों की ही आवृत्ति की है, तो पाश्चात्य आचार्य और संस्कृत के आचार्यों की अगर हम बात करें, उनको गहराई से उनके मतों को देखें, तो एक निष्कर्ष निकल कर सामने आता है कि आनंद की अनुभूति ही काव्य का मौलिक प्रयोजन है। आनंद की अनुभूति काव्य का मौलिक प्रयोजन है, चाहे वो कला
काव्य को कला मानकर उससे प्राप्त होने वाला आनंद हो, चाहे उसे वो जीवन की अभिव्यक्ति मानकर उससे प्राप्त होने वाला आनंद हो, चाहे कीर्ति से प्राप्त होने वाला आनंद हो, चाहे धन से प्राप्त होने वाला आनंद हो, चाहे धर्म पालन से प्राप्त होने वाला आनंद हो, हर स्थिति में हर बिंदु से जितने भी तत्व जितने भी प्रयोजन यहाँ बताए गए उन सब का अंततः विलय किसमें होता है? आनंद में। तो काव्य का मौलिक जो प्रयोजन है वो है आनंद। और आनंदानुभूति, ये आनंदानुभूति आत्माभिव्यक्ति से मिले, यश से मिले, काम तृप्ति से मिले, हीन भावना के परिष्कार से मिले या पुरुषार्थ सिद्धि से मिले, कुल मिलाकर आनंद की अनुभूति ही काव्य का एकमात्र सही प्रयोजन है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज के सत्र में हमने काव्य के प्रयोजन पर बात की, उसके अर्थ को जाना, और हमने ये जाना कि संस्कृत के आचार्य किस प्रकार काव्य प्रयोजनों का की व्याख्या करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, और दूसरी ओर पाश्चात्य विद्वानों के मत कितने भिन्न धरातल पर प्रस्तुत है, लेकिन अंततः उन सब विचारधाराओं का विलय एक ही बिंदु में होता है और वो है आनंद की उपलब्धि। उम्मीद करती हूँ कि ये सत्र आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी रहेगा। आप अब काव्य का प्रयोजन अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उसके अर्थ को आप हृदयंगम कर सके होंगे। तो दोस्तों, अगले सत्र के इंतजार में रहिए, लेकिन इससे पहले कि मैं आज का सत्र समाप्त करूं, आपसे एक शिकायत करना चाहती हूँ। देखिए, हमने काव्य के प्रयोजन की बात की, काव्य का प्रयोजन अंततः क्या निकला? आनंद की उपलब्धि। यानी हम जो साहित्य समाधान के मंच से हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य भी आनंद की उपलब्धि है। लेकिन यदि आप वीडियो से लाभान्वित होंगे और कमेंट करके हमें ये आनंद की अनुभूति का एहसास ही नहीं कराएंगे, तो बताइए हम आनंद कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप थोड़ा सा हमारे आनंद के विषय में भी सोचें। स्वयं अकेले आनंद प्राप्त करना तो स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी बच्चों, तो आप हमारे आनंद की तरफ भी ध्यान रखिए। और जो भी जिस तरह का भी लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं, जिस तरह का भी मार्गदर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं, उससे हमें अवगत जरूर कराइए, क्योंकि हमारे आगे बढ़ने के जो कदम हैं वो आपके कमेंट्स से ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हमारी ऊर्जा का स्रोत आपके विचार हैं, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपसे गुजारिश है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।